कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस के विनर रहे एक्टर और स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने इस बार ईद का जश्न अकेले नहीं मनाया बल्कि अपने सभी फैंस के साथ इसे सेलिब्रेट किया। मुनव्वर ने अपने फैंस को ईदी भी दी है। अपनी पहली वेब सीरीज की अनाउंसमेंट इन्होंने कर दी है जिसका नाम है फर्स्ट कॉपी। सोशल मीडिया पर इस वेब सीरीज के टीजर का एक वीडियो मुनव्वर ने शेयर किया। फैंस से इस टीजर को काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है और लोग इस पर खूब प्यार भी लुटा रहे हैं। मुनव्वर इस वेब सीरीज के जरिए एक्टिंग की दुनिया में पहला कदम रख रहे हैं। मुनव्वर ने टीजर शेयर करते हुए कैप्शन में अपने फैंस को ईद मुबारक भी लिखा है। 1:43 के इस टीजर में मुनव्वर लोगों को साल 1999 में लेकर जाते हैं जब डीवीडी का जमाना हुआ करता था। इस बीच मुनव्वर कहते दिखाई देते हैं कि उस जमाने में बॉलीवुड बंदूक से ज्यादा डीवीडी से डरा करता था। मुनव्वर आगे कहते हैं कि पब्लिक हर फ्राइडे का इंतजार नहीं करती है, इसलिए वो पहले ही फिल्म की कॉपियां बना रहे हैं जिससे वो पब्लिक की मदद कर सके, उन्हें फिल्म समय से पहले दिखा सके। मुनव्वर इस वेब सीरीज में पायरेसी की दुनिया के बादशाह का किरदार निभाने वाले हैं और इनका कैरेक्टर काफी ग्रे रखा गया है। टीजर के साथ ही मुनव्वर कहते हैं कि बीते सालों में मेरे फैंस ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, वो मेरे साथ हमेशा खड़े रहे, इसलिए मैं इस साल उन्हें एक कीमती तोहफा देना चाहता हूँ। जहाँ मैं अपने इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, इसमें मेरे फैंस को मेरा एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा। मैं अपने सभी फैंस का रिएक्शन देखने के लिए बेहद एक्साइटेड हूँ। देखना चाहता हूँ कि वो मेरी वेब सीरीज के टीजर को देखने के बाद कैसे रिएक्ट करते हैं। बता दें कि फर्स्ट कॉपी वेब सीरीज फरहान पी जम्मा ने लिखी है और निर्देशित भी की है। वहीं कुर्जी प्रोडक्शंस इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं और सॉल्ट मीडिया इसको को प्रोड्यूस कर रहा है। मुनव्वर ने सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 17 जीता था। इसके बाद कॉमेडियन कई सारे म्यूजिक वीडियोस में भी नजर आए। अब वेब सीरीज लेकर आ रहे हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि मुनव्वर फारूकी अपनी इस वेब सीरीज में कैसे एक्टिंग करते हैं और उनका ये एक्टिंग डेब्यू कैसा साबित होता है। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर्स।